सबका स्वागत है संगीता होम एंड किचन में। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे पके हुए आम से बहुत अच्छे से बर्फी। तो चले चलते हैं, बनाते हैं। और हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। और चैनल पे जो भाई बहन नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम ले लिए हैं ये तीन आम। तो ये तीन आम को मैं धो लेती हूँ सबसे पहले, तो पानी में डाल के मैं धो लेती हूँ। मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको हम अब काटेंगे। इसे हम पोंछ देते हैं। तो मैंने धो लिया है और इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम चलते हैं, काटते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मुझे काटना है। तो इसका छिलका हम उतार देते हैं इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से हम इसको छिलके को उतारेंगे। तो इस छिलके को मैं उतार लेती हूँ पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छे से मैं छिलका को उतार ली हूँ ये तीनों आम का। मैं इस तरह से आम ले ली हूँ। आप चाहे तो जो पसंद हो आम आपको वो आम ले सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से आम ले ली हूँ। इसको इसका पल्प अच्छे से पल्प गूदा निकाल देती हूँ। ये काफी मीठा भी है आम, तो मुझे आज यही मिला है, मैं यही ले रही हूँ। आप चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं, बड़े बड़े वो ले सकते हैं, उसमें से एक ही आम से बना सकते हैं। अच्छा है तो एक दो बढ़ा के ले सकते हैं। हम तो छोटा छोटा है, तो तीन आम ले लिए हैं। तो काफी अच्छा पका हुआ है, तो इससे काफी अच्छा कलर आएगा। तो इस तरह से हम आम को काट के इसका पल्प निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पल्प को निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सारा पल्प निकाल ली है, सारे आम का, तीनों आम का। तो हम रख देते हैं इधर और चलते हैं हम इसका मिक्सी कर लेते हैं। तो कप से नापेंगे तो ये एक कप होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम इसमें डाल के अब सारा ये पल्प को पीस लेते हैं। और इसी में डाल देते हैं हम मिल्क पाउडर। कोई आप कटोरी या कप ले लीजिएगा, उसी से नाप कर लीजिएगा। ये कोई ये एक कप से ज़्यादा होगा मैंगो। एक कटोरी में मिल्क पाउडर ले लिए हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैंगो बढ़ा सकते हो और चाहे तो मिल्क पाउडर बढ़ा सकते हो। आप चाहे तो पूरा आम का फ्लेवर भी ले सकते हो अच्छे से। तो हम ये मिक्स करके पीस लेते हैं, मिक्सी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से मैंने पीस लिया। देखिए कितना अच्छा से पीस गया है। तो काफी अच्छे से पीस चुका है और इसका कलर अच्छा आया हुआ है। तो काफी अच्छे से आम पका हुआ था, इसलिए इसका कलर अच्छा आया है। तो इस तरह से आम जरूर लेके, पका हुआ आम, कोई भी आम लेना, पका हुआ अच्छे से रहना चाहिए। तो हम चलो चलते हैं, गैस जलाते हैं। तो मैंने गैस धरा लिया है। इसमें थोड़ी से पहले से तेल था,
ये डाल देते हैं हम एक चम्मच जितना घी, एक चम्मच भर के मैं घी डाल दिए हैं। इसमें डायरेक्ट डालेंगे ये आम का फल। तो देखिए मैंने पीस के जो रखा है वही हम डाल देते हैं डायरेक्ट। तो देख सकते हैं मैंने डाल देते हैं इसी में शक्कर। देखिए आम भी मीठा है और मिल्क पाउडर थोड़ा मीठा होता है, तो थोड़ा सा छोटा सा गिलास है देखिए चाय पीने वाली, इसी से मैं दो भर के डाल दिया है। इसको अब चलाते हुए पकाएंगे। इसको बनाने के लिए ढेर टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आराम से हो जाता है। इसको हम चलाते रहेंगे, चला के पिघला लेते हैं। आप चाहो तो ये आम और मिल्क पाउडर मिक्स ही करें तो इसी में शक्कर डाल के मिक्स कर सकते हैं, और इसे भी पकाओगे तो कोई भी इशू नहीं है, आराम से ये गल पिघल जाता है इसमें। तो दोस्तों हम बोले थे ना आप सबको कि हम अच्छे अच्छे आम का रेसिपी देंगे, खट्टा मीठा दोनों। देखिए हम इस तरह से हम आप सबको ढेर सारा आम के सीजन भर में आप सबको बना के बताऊंगी। तो देख सकते हैं ये शक्कर अच्छे से पिघल चुका है। तो इसमें मैं खोआ दूध कुछ भी नहीं लगेगा, बस 2 से 3 चीज से आराम से ये बर्फी बहुत अच्छा बन के निकल के आएगा, देखिएगा। तो हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, तो मीडियम हाई पे हम इसको पकाएंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे, कढ़ाई के तले में लगे ना। इस तरह से हम पकाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, देखिए चीनी पिघल चुकी है तो अच्छे से इसमें उबाल आने लगा है। अभी देखेंगे थोड़ी देर में ये इकट्ठा होने लगेगा, तो इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। इसमें आप चाहो तो इलायची पाउडर कुछ फ्लेवर डाल सकते हो, हम नहीं डाल रहे हैं, मुझे आम का फ्लेवर चाहिए। मुझे इसी तरह चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों काफी इकट्ठा होने लगा है हमारा ये बैटर, देखिए कितना अच्छे से है। तो बर्फी जमने का इस स्टेज में आ गया है, देखिए। इसी वक्त एक चम्मच हम और घी डाल देते हैं, और दोस्तों नॉनस्टिक का कढ़ाई रहे तो अच्छा रहता। थोड़ी सी घी डालने से अच्छे से इसका चमक आ जाएगा। इस तरह से हम चलाते रहेंगे। एकदम इस टाइम पे गैस में सीलो कर दी हूँ। तो पूरा इकट्ठा होने लगेगा तो हम इसको जमाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छे से हमारा बर्फी ये जमने लायक हो गया है, देखिए। तो काफी इकट्ठा हो रहा है, देख सकते हैं। तो हम इस टाइम पे गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो इसका पहचान भी बता देती हूँ, देखिए इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से गोल करना है, देखिए। तो हाथ में नहीं चिपक रहा है, मतलब ये जमने लायक हो गया है, देख सकते हैं।
देखिए इस तरह से। तब गैस बंद कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और चलते हैं हम जिसमें जमाते हैं उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसको थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों हम लगा लिए हैं, देखिए इसमें इसे हम जमाएंगे। इसमें लगा लिए हैं बटर पेपर, काफ़ी अच्छे से निकल आएगा हमारा ये बर्फी। तो इसी में हम थोड़ी सा घी लगा देते हैं क्योंकि जल्दी से अच्छे से निकल आए इस तरह से। मैंने घी लगा दिया है और इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए थोड़ी सा बादाम का कतरन। ऐसे में हम डाल देते हैं थोड़ी सा कटे हुए पिस्ते का कतरन। ये अच्छे से सजा लेते हैं हम। आप चाहो तो सैंपल रख सकते हो, चाहे तो किसी से सजा सकते हो। तो मैंने रख लिया है, देखिए अब हम इस बर्फी को निकाल के इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ी सा ठंडी हो चुकी है, पूरे तरीके से ठंडी नहीं हुई है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसमें हम निकाल के जमा लेते हैं। तो कढ़ाई में से अच्छे से काच के निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से अभी गर्म है। तो मैंने इसको अब फैला लेते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से हम मैंने सेट कर लिया है बर्फी को और चलते हैं इसको 3 से 4 घंटा इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, इसको जमने के लिए इसे छोड़ देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे से सेट हो चुका है हमारा बर्फी। तो हम निकाल लेते हैं, हम इस पे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया है। ये हम लगाए थे बटर पेपर, इसलिए बहुत आसानी से हमारा बर्फी निकल गया है। तो हम निकाल लेते हैं बटर पेपर पहले। देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारा आम का बर्फी सेट हो चुका है। देख सकते हैं आप काफी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम प्लेट में सजा लेते हैं तो इस तरह से। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से हमारा आम का बर्फी बनके रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत टेस्टी है और आम का एक खुशबू तो पूछिए मत। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए आप सबको हम तोड़ के भी दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है। देखिए और काफ़ी अच्छा है और इसमें कोई शक्कर ऊपर ज़्यादा नहीं डाले, देखे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज छोटा सा वीडियो हमारा ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।